वेलकम टू क्रिकविक मैं हूँ राजुल शर्मा फैंस इंडिया की तरफ से और आज हम बात करेंगे आर की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जी हाँ आर का नाम सुनते ही यही दिमाग में ख्याल आता है कि इतने सारे एडिशंस निकल गए हैं आई के आर कब ट्रॉफी जीतेगा और ये इसलिए ख्याल आता है क्योंकि आर की टीम में बड़े बड़े दिग्गजों के नाम हैं ऐसे प्लेयर्स जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं बट फिर भी ये आर जब आई में खेलती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है बट इस बार अच्छी खबर यह है कि आर की टीम बहुत अच्छा खेल रही है फर्स्ट एडिशन में फर्स्ट हाफ़ में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी नंबर तीन पर है बट उनका एक मैच अभी कम खेला है उन्होंने डेली के कंपैरेटिवली तो जा सकते हैं वो नंबर वन पे क्वाइट इजीली इस बार ट्रॉफी जीतने के आरसीबी के चांस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि इस बार आर की टीम में ऑलराउंडर्स बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे ऑलराउंडर्स जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अकेले अपने दम पर मैच को जिता सकते हैं तो ग्लैन मैक्सवेल है हर्षल पटेल हैं, जो कि ऑलरेडी पर्पल कैप होल्ड कर रहे हैं हचरंगा भी ऐड हो गए हैं काली जेविनसन है बहुत सारे ऐसे नेम हैं। जो कि इस टीम को बड़े आराम से जिता सकते हैं तो बात कर लेते हैं कि अभी जो पहला मैच होगा आर का उसमें क्या प्लेइंग इलेवन होगी फर्स्ट प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है तो नंबर वन पर देवदत्त पारिकर के साथ विराट कोहली आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे नंबर तीन पे रजत पाटीदार बैटिंग कर सकते हैं नंबर चार पर ए बी उनके बाद ग्लेन मैक्सवेल और उसके बाद काली जेविनसन फॉलोड बाय हर्षल पटेल हसरंगा खेलेंगे जो कि अपने आ, स्पिन ऑलराउंडर हैं श्रीलंका के उसके बाद हमारी पेस पैटरी के मोहम्मद सिराज नवदीप सैनी और आरसीबी के लकी चाम यूजी चहल तो ये हो सकती है प्लेइंग इलेवन और इस बार जैसा आपको बोला कि चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि ये टीम इस बार आईपीएल की ट्रॉफ़ी उठा सकती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि आरसीबी इस बार ट्रॉफ़ी जीतेगी या हर बार की तरह फिर से रह जाएगी